एक थोड़ा जा ये दसो भी जिस तरह तुसी ये किताब लिखी है, मतलब तुहाडे तो पहला इस जॉनर दी मैनू लगता नहीं भी कोई किताब आई सी पंजाबी दे, मतलब कि पंजाब दे इस तरह के पहराव्या बारे। मतलब इस तरह का काम सब तो पहली बार कदों होया ते कदों कदों होया, जे थोड़ा जा मतलब एक पंछी झात पै सके। मेरी इनफॉर्मेशन आ, ये पहला काम है पंजाब च कह लो या इंडिया च कह लो, और इट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि मेरे साढ़े एक फ्रेंड्स है, मैं थो एक गल दसना चाहनी हाँ। जो मेरी बुक आई और मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट के आ इस तरह का पहनावा आया, ये आया, उन्होंने वो बिहार के है, उन्होंने अपने ग्रैंड फादर वो फोटो दिखाइया, बिल्कुल सेम सियाँ जिमें पंजाब विच है, वो सिमिलर चेंजेस ही, थोड़ा बहुत फर्क होएगा। पर इस तो मेरी बुक तो पहला कोई स्टडी ये बारे नहीं हुई जो तक मेरी इनफॉर्मेशन है। जिस तरह तो पंजाब ते लिखा कि इस तरह इंडिया बारे भी कुछ लिखा गया अज तक? थोड़ा बहुत है इंडिया बारे, पर एवें जिस तरह मेरी यह पूरी होल पूरी स्टडी है ना कि किस तरह चेंजेस हुई, किस तरह लोगों ने क्यों पाइया चीज़ा, क्यों उस तरह नहीं होया। ज़्यादातर लोगों ने रॉयल्टी बारे लिखा है, कॉमन लोगों बारे नहीं लिखा। रॉयल्टी बारे कई बुक्स है, पर चेंजेस बारे बहुत घट है, और क्यों आईया चेंजेस किस तरह वो मेरी इनफॉर्मेशन बारे ये नहीं आया। और जिमें बाढ़लियाँ है, बाढ़लियाँ ऑफकोर्स जी बाढ़ली हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम आ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, अपनी नहीं है इतने की। देखो उन्होंने लाइक उत्थे दियाँ ड्रेसिस भी हैगियाँ आ, उत्थे दे पेंटिंग्स भी हैगियाँ, फिर लेटर फोटोग्राफ्स भी है। एक गल बहुत मैं कहनी हाँ, इट इज़ कमेंडेबल कि जेडे ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हर चीज़ रिकॉर्ड की है, और उदा सानू बड़ा फायदा होया, क्योंकि जो ना रिकॉर्ड कर दे तो सानू पता ही नहीं सी होना कि पहला किदां दी ड्रेस सी तां हुण किदां दी है और क्यों है। पर जिहड़ी बाढ़लियां बहुत डिटेल विच उन्होंने जिवें उत्थे स्पेसिफिक पीरियड्स हैगे आ कि फरक टाइम ते फरक ड्रेस चेंजेस आए, जिहड़े कि जिहड़ी मेरी स्टडी है इहदे विच पीरियड्स फिक्स नहीं हो सके। बल्कि इट वॉज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी कि जड़िया मैं पेंटिंग्स देखिया या फोटोज़ देखिया लेट 19th सेंचुरी या 1940s, उन्होंने सेम ड्रेस पाई हुई है, तो मैनू ये प्रॉब्लम बहुत हुई कि किस तरह हो सकता है। फिर मैं रियलाइज़ किया कि क्योंकि जिस तरह मैं मैनशन किया पहला कि इट डिपेंड्स ऑन अ परसनज लैवल ऑफ वैसटनाइजेशन, जिमें अज मैं डिसाइड किया कि मैं वैसटनाइज होना आ तो मैं पहला की करांगी, या बाय एंड लार्ज पहला जराबा पाँदे सी, पहला शूज़ पाँदे सी, फिर मैं वैसटर्न गारमेंट्स या मैन प्रोबेबली नॉट मी मैन पहला कुर्ते पजामे नाल कोट्स पाँदे सीगे, तो वही कुर्ते पजामे ना कोट 1940s च भी है, वही कुर्ते पजामे ना कोट ना 1890 विच भी हैगा। सो एदे विच पीरियड्स फिक्स नहीं हो सके, पर इट डिपेंड्स ऑन अ परसनस लेवल ऑफ वैसटनाइजेशन। जो तो फुली वैसटनाइज हो गया फुली वैसटनाइज हो गया, उन्हें पूरी ड्रेस पा ली, पूरा सूट पा लिया। हूँ जी मेरी पिक्चर विच 1946 की पिक्चर है, विच इज़ द लेटेस्ट कह लो ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस, वो मिक्स ऑफ गारमेंट्स है, ये सूट भी हैगा आ, अचकन भी है, और किसी ने कुर्ते पजामे नाल कोट भी पाया हुआ है।